यहाँ पर ये देखिए आप, दो बैलों की जोट एक ही खेत में, आगे आगे काफी लंबे तगड़े हरियाणा नस्ल के बैल हैं और पीछे पीछे जो नागौरी नस्ल के बैल हैं, जिनकी क्रियात्मक ऊर्जा के सामने सभी नस्लें फीकी पड़ जाती हैं। और अगर बल की बात की जाए तो हरियाणा नस्ल के बैलों जितना बल शायद ही किसी में देखने को मिले। तो भाग रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं, बैलों के अंदर और किसानों के अंदर कोई भी थकावट नहीं है। तेजी से जो भाग भाग कर जमीन की जुताई कर रहे हैं, ये देखिए आप, जमीन को बिल्कुल नरम बना के रख देंगे। और ये देखिए आप, काफी लंबे तगड़े जो दोनों बैलों की जोट है। एक बार रोक लें, चाहे रोक लें एक बार और एक बार आराम करवा लें बैलों को। ये देखिए आप, यहाँ पर गांव मोखरा से सचिन भाई हैं जो बैलों से खेती करते हैं, काफ़ी युवा हैं। और गांव भोखबरपुर से जो नसीब ताऊ जी हैं, यहाँ पर जो नागौरी बैलों की जोट इन्होंने तैयार कर रखी है, इनसे जानेंगे कि बैलों से क्या क्या। ये देखिए आप, जो मिट्टी को किस प्रकार पीछे की तरफ फेंक रहा है, यानी कि एनर्जी से भरे हुए हैं, मिट्टी को दूर दूर तक फेंक रहा है। नसीब ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। तो बताएं, थोड़ा सा एनर्जी के साथ, थोड़ा सा ऊंचा बोलना, बताएं आपके जो बैलों की ये जोट है, नागौरी बैलों की जोट, कितनी आयु हो चुकी है इनकी? इनकी भाई 5-5 साल हो गई होगी। 5-5 साल के लगभग हो चुके हैं। ठीक है जी, तो काफी लंबे तगड़े शरीर में आपने तैयार कर रखे हैं, इनको खिलाते क्या क्या हो भाई? दलिया भी, घी भी दिया हाँ, जी जी, दूध भी दिया जी जी, दापड़ा जब घी दूध है जी जी जी, पाया पाया घी, अच्छा जी, किलो किलो दूध भी दिया हाँ जी जी जी, वो चढ़ाई चूरी की वहाँ दलिया के बिंदोले नु घेर दिया ठल्ली ना जी जी। वाह जी वाह, किराया भी करते हो बैलों से? किराया किराया भाई दोनों से परे, अच्छा, छोटी बहू जी, भल्ली भी जावा जी जी, गांव में भी जी। तो चार गांव तो बाहर के, एक गांव आपका खुद का, 5 गांव में आप किराया कर लेते हो, तो कितना कुछ कमा लेते हो साल भर में भाई? नो साल में 1.5 का भी जोटा लग जा, 2 का भी लग जा, 2.5 का भी लग जा, हाँ 2.5 का भी लग जा, लगभग 2 लाख रुपए लगाओ प्रति सीजन के, 1 लाख रुपए बच जाते हैं आराम से। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लगभग 1 एकड़ की जमीन है ये, इसमें कितना समय लगाएंगे बैल इसकी जुताई करने में? 1 घंटा। 1 घंटे में? वाह जी, तो 1 घंटे में 1 भी बो दोगे? एक बो जाएगा। वाह जी वाह, और ट्रैक्टर से तो 1 घंटे में नहीं होगा? तो घना पाला है ट्रैक्टर, तो जैसे ट्रैक्टर लग जाओ एक में बड़ा बड़ा पल्ला लग गया। हाँ, बैल पहले हल देंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर है, जैसे यहाँ से ट्रैक्टर आएगा उससे मुड़ा नहीं जाएगा, एक बार बैक होगा, एक बार फिर आगे जाएगा, फिर स्पीड में चलेगा जी 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 जी, उनसे ज्यादा स्पीड में चलेंगे। यहाँ पर देख भी लिया है, ट्रैक्टर बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, लेकिन बैल तेजी से भागता है। पेट में पास है कि मैं गेरा है तो ये चल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं ना गेरा है तो ये एक शांत किला भी ना काट है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो खिलाने पिलाने के ऊपर बात, आप खुराक का है, आप अगर अच्छी खुराक देंगे तो अच्छा अच्छे चलेंगे। और एक फायदा बैलों का और भी है, जैसे यहाँ पर जो हल है, ऐसे हल को बनवाना पड़ेगा, अगर सभी किसान बैलों से खेती करने लग जाएं तो हल का काम लोहार को मिलेगा, और जो लकड़ी का ये काम है ये खाती को मिलेगा। इससे जो स्वयं रोजगार उत्पन्न होगा और लोगों में जो बेरोजगारी है इसको दूर किया जा सकेगा। जैसे आपकी उम्र काफी हो चुकी है, तो आपने देखा होगा अपने बचपन में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था बैलों से। रोजगार तो बड़ा मिला था जी जी, कैसे कैसे पग्गी रख देना और ना जी जी जी, ऐसा काम कर दिया क्या ना कैसा जी जी, बंद कर बिल्कुल जी। तो कंपनी अगर ट्रैक्टर बनाती है तो ट्रैक्टर बनाने वाला करोड़पति है, अमीर है, वो अपने खुद का परिवार पालने के लिए नहीं, वो अमीर बनने के लिए ट्रैक्टर बेचता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो जो हल को बनाता है या जुए को बनाता है या बैलों के कृषि यंत्र को बनाने वाला लोहार है या खाती है या कोई मिस्त्री है, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये काम करता है। तो ये फायदे देखने को मिलते हैं अगर हम बैलों से खेती करेंगे तो। तो यहाँ पर ये देखिए, चलने दें, आप भी चलने दें, ये देखिए आप, तो काफ़ी लंबी तगड़ी हरियाणा नस्ल की जोट और पीछे पीछे जो नागौरी नस्ल की जोट एक ही खेत में देखने को मिली। तो ऐसा नज़ारा शायद ही आपको किसी अन्य वीडियोज में देखने को मिले कि बैलों की दो जोट एक ही खेत में बड़ी तेज़ी से भागती हुई, बड़ी तेज़ी से चलती हुई, ये देखिए आप। तो दोपहर ही हो चुकी है, अब बैलों को घर पे ले जाया जाएगा, बस थोड़ा सा ही समय रहता है, 10 मिनट के बाद ही इस ज़मीन की जुताई कर देंगे। तो एक बार थोड़ा सा रेस्ट भी दे दिया गया है, तो पुराने समय की कुछ नई बातें जानेंगे। तो दोनों तीनों चारों को राम राम। राम राम। हाँ जी, तो बताएं आप, पुराने समय में जैसे बैल रखते थे आप और आज बैल कम देखने को मिलते हैं, तो पुरानी बातें बताएं, जैसे बैलों की क्या क्या खासियतें होती हैं,
बैलों से किस प्रकार जो फायदे देखने को मिलते हैं, एक बार थोड़ा सा इधर आए आप। हाँ जी बताएं, पुरानी बातें बताएं। मैं पहला तो ट्रैक्टर नहीं थे जी, हमारी याद में काम में एक के दो ट्रैक्टर था। अच्छा जी, एक घर घर दो दो ट्रैक्टर हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारा गांव सा जी, घर की जोड़ दो है सर। घर की जोड़ दो ही है बस। हाँ, एक मेरे तो रहे। ठीक है जी, ठीक है। इतने बड़े गांव में सिर्फ दो ही जोट हैं, तो बड़ी ही जो शर्मनाक बात है। हाँ। एक समय ऐसा था जब हर घर में बैल थे, दो दो जोट भी थी हर घर में। वाह जी वाह। तो आजकल जैसे ट्रैक्टर रखने लग चुके हैं, तो आपके हिसाब से बताएं, किसान जैसे कर्जे में डूबता जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ट्रैक्टर का भी होगा। ट्रैक्टर का तो शायद किले जी 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 जी। तो कर्जे में जो ट्रैक्टर लेना पड़ता 7-8 लाख रुपए का, और 2-2.5 लाख रुपए के सारे कृषि यंत्र आएंगे, तो 10 लाख में बिना होंगे सारे। 10 लाख में सारा काम सिस्टम चलता नहीं बनेगा। चलता नहीं। और पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप भी बताएं, युवा साथी सचिन भाई, तो आप भी बताएं, जैसे अपने हिसाब से नई पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे, बताएं। नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूंगा, जो भी खेती करते हो आप बैलों से करो जी। जैसे कि हम ट्रैक्टर से एक बोते हैं, बाज में जो मैच मारते हैं जमीन के ऊपर, तो ट्रैक्टर के जो लीक है ना, वो पोरिया के ऊपर से जाती है, वहाँ ये खिजामणवार बहुत कम रहती है जी 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 जी। उसमें मतलब बैल जहाँ पेशाब करेंगे, चौथ करेंगे, वहाँ उपजाऊ धरती बनेगी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैलों से खेती करनी चाहिए, इससे कम खर्च में और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी जी जी। ये आजकल बहुत से लोगों पेट वगैरह की दिक्कत रहती है, जिम में जाना पड़ता है। हमारे जो दादा बाबू थे जो, ये आज लगे उनके पेट नहीं है, पेट नहीं अभी तक, क्योंकि अगर बैल से खेती करेंगे तो जैसे आपने अभी देखा होगा कि कितनी तेजी से बैल भाग रहे थे, और बैलों के पीछे पीछे किसान भी भाग रहा था, जिससे जो ऑटोमेटिक जो दौड़ होती रहेगी और शरीर बिल्कुल निरोगा रहेगा, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। तो ताऊ जी आप और बताएं अपने हिसाब से कुछ, क्या कुछ संदेश और देना चाहोगे आप? भाई मेरा कहना यो है जी, छोटे जो किसान से हर किसान ने गाय लेनी चाहिए अपनी जी, सारा परिवार दूध पी और उसके बछड़ियां दा पण हाल बनाओ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरा संदेश यही है जी जी। तो अगर किसान गाय को रखेगा तो वो गाय बछड़ा जरूर लेकर आएगी, और अगर ज्यादा दूध उत्पादन क्षमता वाली गाय है तो उसके बछड़े को हम नंदी बना देंगे, खागड़ बना देंगे, लेकिन अगर उसका दूध उत्पादन कम है तो उसको हम नंदी नहीं बना सकते, तो उसको हम बैल बना सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ एक लोग जिनमें बहुत ज्यादा भावना है, वो कहते हैं कि बैलों से खेती नहीं करनी चाहिए, इनसे बैलों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, मानते हैं कि अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बैल सड़कों पे थैलियां खाते घूम रहे हैं, जो बछड़े गौशालाओं में कैद बन के रहते हैं, उनसे तो अच्छा इन बैलों का जीवन है कि अपने किसान के साथ बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, इनको अच्छी डाइट दी जाती है और इनको एक घर मिल जाता है। और जो बैलों से अगर हम खेती करेंगे तो इनके साथ अत्याचार नहीं है, ये इनके साथ एक किस्म से न्याय ही मानिए आप, अगर अच्छा किसान है तो। और बैलों से खेती करेंगे तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बैलों से की हुई खेती में बढ़ोतरी भी होती है, अनेकों अनेकों फायदे देखने को मिलते हैं, सुबह से शाम तक चाहे कितने ही फायदे गिनवाते रहें तो भी इनके फायदे खत्म नहीं हो पाएंगे। तो बारंबार यही संदेश देना चाहूँगा कि फिर से जो इंडिया को भारत बनाइए और पुराने समय की तरफ लौट चलिए, अपनी संस्कृति को बचाइए, बैलों से खेती कीजिए और समाज को बिल्कुल निरोगा बनाइए, स्वस्थ बनाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल।